अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, आप सब कैसे हैं और कैसे मिजाज हैं। आज हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी और इतनी यम, इतनी टेस्टी है कि आप घर में बनाएंगे ना तो आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। और अभी हम इसकी आप देखते जाएं, इसकी लुक, इसकी कंडीशन, आपको खुद लगेगा कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी हुई है। और इसकी मैंने पूरी रेसिपी डाली है, कोई स्टेप मैंने नहीं छोड़ा। जिस तरह से मैंने बनाया आप भी लाजमी इसी तरह से बनाइएगा। ये देखें, देखने में लग रही है ना ये बिरयानी ज़बरदस्त, ये टिक्का बीफ बिरयानी। अच्छा, इसमें मैंने ले लिया था दो से ढाई किलो ये गोश्त था, और ये अदरक लहसुन और लीमू और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें लाल वाली मिर्च मिल गई थी तो मैंने उसको भी पेस्ट कर लिया था। अच्छा, ये नॉर्मल जो मसाले होते हैं, ये साबुत धनिया था, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा, और ये सब कुछ इसमें हम मिलाकर इसको मिक्स करके और रात भर इसको छोड़ देंगे। और ये लीमू मैंने निचोड़ लिया था, इसका जो रस है हम इसमें डाल देंगे। और ये धनिया मैंने कूट लिया था, इसमें मिला लें। सब नॉर्मल मसाले हैं, बस इसमें टिक्के दो पैकेट, एक बम्बई बिरयानी का एक पैकेट मंगवा लीजिएगा और एक टिक्का कबाब पैकेट का मसाला जो होगा ना वो हम सिर्फ बनाते वक्त डालेंगे। वो किस तरह से मैं ये बताती जाऊँगी। ये रात भर स्टे हो चुका है, सही है। इसमें से मैं लीमू के छिलके अलग करके इसको एक पतीली में डालकर और इसमें तेल डाल के इसको हल्की आँच में मैं चढ़ा दूँगी। ये एक घंटा लगेगा इसको, क्योंकि ये रात भर का है, रात भर स्टे किया हुआ है तो ये बहुत जल्दी से गल जाएगा। और एक घंटा लगेगा कम से कम इसको गलने में, क्योंकि हल्की आंच में हमें इसको गलाना है। इसकी बोटियाँ इतनी सॉफ्ट होंगी ना, आपको खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ, आप लोग लाजमी इस तरह से फॉलो कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक से डेढ़ चम्मच बहुत होगा ऑयल, अगर आप ऑयल ज़्यादा खाते हैं तो दो चम्मच कर लीजिएगा, मगर मैंने एक से डेढ़ चम्मच है इसमें ऑयल डाला था। और इसको ढक के हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये कम से कम मैंने 40 से 45 मिनट हो गए थे, तो उसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया और इसकी लुक चेंज की। देखें सिर्फ कितना सा, जो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला बन के, इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है। इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे इस तरह से, और जिस हमने ये बॉल में निकाली है, जिस पतीली में हमने ये निकाला था उसमें थोड़ा सा घी डाल के, ये मैंने घी डाला बता, उसको गरम कर लिया। इसमें मैंने डाली थी प्याज, इसको मैंने किया है फ्राई। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम फिर दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। अभी अच्छी खासी ये प्याज हमारी ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का स्टेप। अच्छा, इसमें है ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी के टुकड़े, और एक क्या कहते हैं, एक बड़ी वाली इलायची और तीन छोटी इलायची, सब्ज इलायची। इसको हम अच्छे से मैंने इसमें अदरक लहसुन ही डाला था, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाला हुआ था रात में, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था गोश्त उसमें बहुत अच्छे था। अगर आपको डालना है तो हाफ हाफ चमची इसमें लहसुन अदरक डाल के इसकी भुनाई कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाला था क्योंकि गोश्त में अच्छा खासा था। कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्चें और धनिया पाउडर, ये हम डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से इसका मसाला बन जाएगा, जब तेल इसमें से अलग हो जाएगा, टमाटर गल जाएंगे, तो हम इसमें अपना गोश्त मिला देंगे। ये हमारा मसाला कम से कम हाफ हो चुका है डन, अब हाफ बाकी है। ये स्टेप नंबर 2 है, इसमें हम गोश्त मिला देंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं मिलाऊंगी इसमें 2 चम्मचों के करीब, मैंने इसमें मिलाए थे बम्बई बिरयानी मसाला, ठीक है। नेशनल के ले लें, शान का ले लें, जिसको जो सूटेबल हो वो डाल लें। इसमें 2 से 2.5 चम्मच डाल दीजिएगा, और टिक्का सीख कबाब मसाला जो था ना, इसमें से ये भी 2 से 2.5 चम्मच। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। इसमें हरी मिर्च डाल दीजिएगा, ये हमारा मसाला बस डन होने वाला है। टमाटर हल्के से सॉफ्ट और हो जाए तो फिर मैं इसमें गोश्त मिला दूंगी। ये स्टेप बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ खिलाने वाला है ही नहीं, सिर्फ टमाटर ही हमें पेस्ट बनाना है। बस ये पेस्ट बनते ही हम इसमें अपना गोश्त डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको हिलाएंगे जुलाएंगे और इसको तैयार करके रख देंगे, फिर हम अपने चावलों की तरफ चलेंगे। बस ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया।
इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपने पुदीना इस स्टेप पे डाला तो डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने डाला था, मुझे याद है मैं जो डाला था। मैंने शायद इसकी क्लिप्स लेना भूल गई हूँ, मगर इसमें धनिया पत्ता, अच्छा ये मैंने जायफल और जावित्री, इन दोनों को हाफ ऑफ टुकड़े लीजिएगा, इसको कूट लीजिएगा। और ये सिर्फ हम दम लगाएंगे, उस वक्त मैं इसको सिर्फ चुटकी से छिड़काव करूँगी। अच्छा ये हमारा थर्ड स्टेप चावलों का शुरू हो चुका है। चावल भिगो दीजिए, बादियान का फूल होगा, तेज़पत्ता होगा, ज़ीरा होगा और लेमन के टुकड़े होंगे, पुदीना होगा, ये सारी चीज़ें, सब इलायची है, बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी का टुकड़ा, ये सब कुछ डाल दें इसमें। और इसमें मैंने डाला था 2 से 2.5 चम्मच ऑयल। अब इसको मैं इसको बॉईल आने दूंगी, खूब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर मैंने चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो मैं डालूंगी। अच्छा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने इसे 2 चम्मच डाले थे तो फीका था, तो फिर मैंने दम लगाते हुए इसमें थोड़ा सा नमक मैंने फिर इसमें डाला था, मैंने 2 चम्मच इसमें डाले थे भर भर के। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आपको अच्छा लगे। ये पुदीना आ गया, अब हम इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। ये आधा लीमू इसमें छिड़क, आधा जो लीमू होगा ना इसको इस तरह से इसको निचोड़ दें। ये हमारे चावलों की लुक बहुत अच्छी रखेगा और हमारे चावल सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम से रहेंगे। अब इसमें बॉयल आ गया तो जो चावल भीगे हुए थे वो मैंने कम से कम 40 से 45 मिनट मैंने इसको भिगो के रखे हुए थे। अब ये बहुत जल्दी से इसमें बॉयल आ गया था तो मैंने डाल दिया, बस चावल डन हो गए हमारे। ये इसमें देख लीजिएगा मैंने इसमें 3 कनी रखी थी क्योंकि मुझे दम लगाना था, मैंने आधा घंटा इसको दम लगाया था तो मैंने इसमें 3 कनी रखी थी। अब अपने हिसाब से रखिएगा, 2 कनी रखना चाहते हैं 2 कनी रखिएगा, कि स्टेप बाय स्टेप पहले 1 कनी उठा लीजिएगा फिर दूसरी, मगर मैंने इसमें 3 कनी रखकर और फिर मैंने इसमें जो मसाला जो मेरी पतीली में से मैंने इसको अलग कर लिया था और उसी पतीली में मैंने इसको चावलों की तह लगाई थी। मैंने इसमें से कुछ नहीं निकाला था, जिस तरह से था वो सब कुछ मैंने ऐसी ही इसमें इसको दम लगाना शुरू कर दिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप मोटी लेयर्स चावल की लगाना चाहे, मैंने 3 लेयर्स लगाई थी शायद। पहले हम चावल डालेंगे, ये हमारी 1 लेयर्स हो गए, मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी पूरी। अब हम अपनी बीफ जो मसाला जो हमने बनाया था उसकी लेयर्स लगाएंगे। ये पूरी हमने अच्छी तरह से इसकी लेयर्स लगा दी। अब ये मैंने दही में इसमें कलर मिलाया था, फूड कलर, जो फूड कलर होता है ना वो मैंने इसको मिला के इसको पेस्ट बना के और फिर मैंने इसके ऊपर डाला था। ये दही और उसमें फूड कलर मिला हुआ है, ये पहले डालेंगे, फिर इसके ऊपर प्याज जो हमने ब्राउन की थी वो प्याज डली हुई है, और फिर मैंने डाले थे पुदीने के पत्ते और फिर आलू बुखारा। फिर टमाटर, लेमन डाल दीजिएगा, टमाटर के स्लाइस और फिर ये स्लाइस करके जो रखे हुए थे, ये बस 3 लेयर्स ऐसी ही लगेंगी। अच्छा इसमें हाँ ये सीख कबाब मसाला अब मैं इसमें डालती जाऊंगी, सॉरी, ये और बम्बई जैसे मसाला होगा वो, और वो जो जायफल जावित्री जो मैंने जो कूट के रखी हुई थी, बस मैं इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा चुटकी से फैलाकर और फिर मैं इसमें चावलों की लेयर्स लगा रही हूँ दोबारा से। किचन बहुत फैल गया था, बहुत, ये स्टेप कंप्लीट करने में इतनी परेशानी हुई थी ना हद से ज़्यादा, मगर शुक्र है अल्लाह का ये कंप्लीट हो गया था फिर भी, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से काम करना पड़ता है ना, तो बहुत कुछ
ये मैंने पहले गोश्त की जगह ना ये मैंने दही और जो फूड कलर जो मिला के रखा था वो पहले डाल दिया, मगर आप पहले गोश्त डालिएगा फिर ये स्टेप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि मैं उस वक्त काम में लगी हुई थी और मुझे इतना होश नहीं था, बस मैं कंप्लीट करने में लगी हुई थी, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल, एक बहुत इंसान थक भी जाता है और थोड़ी सी हेल्प भी ना होना तो फिर और ज़्यादा थक जाता है। मगर आप पहले ना ये गोश्त जैसे गोश्त की लेयर्स और फिर उसके ऊपर ये क्या कहते हैं दही और जो फूड कलर में जो मिक्स करके रखा था ये इसके ऊपर डालिएगा। ये मैंने थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप मेरा ये कम्प्लीट हो रहा है, ये मैंने पूरा डाल के इसमें वही हम अपने स्टेप कम्प्लीट करेंगे लेमन के टुकड़े ये सब कुछ डालकर, टमाटर आलू बुखारा है और ये जलेबी है प्याज प्रॉन की भी प्याज, ये मिर्चें थी कुछ और ये देखें जायफल जावित्री, ये मैंने सेकंड स्टेप पे आपको दिखाई, बस इसके छिड़काव हो रहा है जैसे बूंदों की छिड़काव नहीं होती बस वो वाली छिड़काव हो रहा है, और ये टिक्का मसाला डल रहा है और ये बम्बई बिरयानी मसाला, ये हमारा सेकंड स्टेप ऑलमोस्ट डन। इसके ऊपर मैंने चावल ढके थे दोबारा से और इसके ऊपर मैंने घी डाला था, देसी घी जो होता है ना वो मैंने डाले थे, इसको दम लगाने के लिए रख दिया था फिर मैंने। बस हमारा ये मोस्ट कंप्लीट। इसके ऊपर मैंने हल्का सा फूड कलर डाल दिया था, आपकी मर्जी आप डालना चाहें या नहीं डालना चाहें, वैसे हल्का सा मैंने फूड कलर के ऊपर डाला था, फिर मैंने इसको कपड़े से इसको ढक दिया था और इसके ऊपर मैंने रख दी थी बाहर से भारी चीज़ जो भी हो हमलदस्ता जो भी हो आप रख दीजिएगा इसके ऊपर, उसको आधे घंटे तक दम लगाने के लिए छोड़ दें हल्की आंच पे, और फिर मैं किचन समेटने लग गई थी जब तक ये मेरा दम लग चुका था इसमें। गर्म हो रहा था काफ़ी, मैंने फिर भी कोशिश करके इसको उठा लिया, देखें लग रही है ना ज़बरदस्ती बिरयानी, बस अपने घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है, और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था, खाने में भी बहुत अच्छी थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने जैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी ये, और आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे लग रहा था कि मुझे लाजमी बिरयानी की एक रेसिपी ज़रूर डालना चाहिए, और मैंने इसीलिए ज़बरदस्ती एक बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के लिए डाली है, आप लोग घर में ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसको जैसे इतनी खुशी हो रही थी कि मुझसे चमचा भी नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने बोला भाई तब आकर गुजरा कैमरा तो पकड़ो मैं अच्छे से हिलाऊँ इसको, और फिर मैंने इसको कैमरा पकड़वा के और फिर मैंने इसको अच्छे से बनना, तो मुझे खुशी की ना कहीं इंतहा नहीं थी, कि मुझे खुशी के मारे बस मैं फूले नहीं समा रही थी, इतनी अच्छी लुक आई थी ना जो मैंने भी नहीं सोचा था ना वो लुक आई थी, तो इंसान जो सोचता भी ना वो कहते हैं ना अल्लाह मदद दिहार होता है, बस वो वाली जो लुक आई थी ना तो मुझे बस देखी जा रही थी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया, एक तो ये कैंच भी हो गया और सारी ज़िंदगी में इसको याद भी रखूँगी, और मुझे दिन ज़्यादा इस दुआ के साथ अपनों में रहें खुश रहें और मुझे दुआओं में याद रखें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा, और मुझे दें इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा।